नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। एक ऑडियो वायरल होता है और उस ऑडियो वायरल से तहलका मच जाता है राजनीति में, और डिलिमिटेशन कमीशन जो यहां पर आया था उस पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उस वायरल ऑडियो में जो बातचीत हो रही है वो रविंदर रैना जी और शक्ति परिहार के बीच में हो रही है, और विपक्ष अब ये आरोप लगा रहा है कि डिलिमिटेशन पहले से ही फिक्स था, ये औपचारिकता थी जो उन्होंने यहाँ पर बकायदा यहाँ पर दौरा किया है। इसी पर चर्चा करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ए मीर जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। ये फिक्सिंग थी, आपको लग रहा है ये फिक्सिंग थी या फिर ऑडियो के बाद आपको याद आ रहा है ये वायरल ऑडियो की यार ये तो फिक्सिंग दिख रही है? नहीं, ये तो इम्प्रेशन और ग्राउंड रिपोर्ट्स आज से एक साल पहले थी। आखिरकार हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, भले पावर में नहीं है, अपोजिशन में है, मगर कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा पोलिंग बूथ नहीं है जहां कांग्रेस का डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं है। जो कुछ वहां 24 घंटे में होता है वो कहीं ना कहीं पासान करता है। तो पिछले एक डेढ़ साल पहले से ही इसकी खबरें थी कि कमीशन तो बराई नाम का है, वो तो दिल्ली में बैठे हैं, मगर यहाँ ग्राउंड एक्सरसाइज कुछ और ही लोग कर रहे हैं, या तो बीजेपी के डायरेक्ट लोग, जिन एरियाज में बीजेपी है वहाँ बीजेपी के लोग ये मिली भगत कर रहे थे, जहाँ बीजेपी नहीं है, जहाँ उनका नाम लेने वाले, वहाँ उनके मतलब जो एक्सटेंडेड पार्टीज़ है ना, उनकी जो अलाइड पार्टीज़ हैं, जो क्रिएटेड पार्टीज़ है, वहाँ उन लोगों का रोल आज से एक साल पहले दिखाई दे रहा है। और मैं आपके सामने कह सकता हूँ, मुझे आज से एक साल पहले बीजेपी के एक एक्सटेंशन वाली पार्टी का, जो इधर से ही गए थे, उधर थोड़ी देर डेप्टेशन पर थे, उसने मुझे एक साल पहले बताया, बोले मैपिंग तो हमने बनाई और तहसीलदार डीसी को कहा गया जो ये लिख के देंगे उसको आगे बढ़ाओ। तो इसलिए जब हमने वो बातें तब उठाई थी कि कमीशन नहीं काम कर रहा है, कमीशन के नाम से कोई और लोग नीचे काम कर रहे हैं, तो फिर देश के प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। उस वक्त लोगों ने सोचा पता नहीं क्या होना है, क्या कितने बड़े बड़े फैसले होने, होना तो कुछ नहीं था, और अल्टीमेटली उसको भी ये पता चल चुका था कि वहाँ इस तरह से हो रहा है। उन्होंने एश्योर किया जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बताया कि इस तरह से हो रहा है, और फिर ये तस्लीम नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन अपने गिवन पैरामीटर्स के मुताबिक रिजल्ट देगा, अगर उस वक्त आपको कोई लगेगा कि उसमें हेर फेर है हम देखेंगे। तो आज वो सिचुएशन आ गई, आज तो हम नहीं कह रहे, मीर साहब तो शायद लास्ट पर्सन है आज बोल रहा है, हम तो इसीलिए 10 दिन के बाद में आपको बुलाए, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में लोग सड़कों पर आए, पूरे जम्मू कश्मीर में लोग परेशान हाल है, जिनको जिस तरह से रीऑर्गेनाइज किया है, जो किसी भी हालत में उनको एक्सेप्टेबल नहीं। आपको क्या लगता है ये जो कमीशन ने जो ड्राफ्ट, हालांकि फाइनल तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी माना जा रहा है ये फाइनल, और इसी पर घमासान है जो लीक हुआ और ऑडियो जो वायरल हुआ, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे से होकर गया हुआ है और 50+ का टारगेट हासिल करने के लिए सब कुछ किया गया है, या विपक्ष को और ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए कि वो जीते ही ना, खाता ही ना खोले? नहीं, इस तरह का इन्वॉल्वमेंट तो बीजेपी की है इस चीज़ को बनाने में, अब उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो ऑडियो के बगैर भी हमें पता था, तो ऑडियो तो एक कन्विंस करने के लिए हमने दिखाया। मगर अब जो उनकी सोच थी, जो इसके पीछे ये लाइन्स ड्रॉ कर रहा था, वो शायद कोई उनका खैर खा नहीं रहा, बीजेपी ने भी किसी को हायर किया होगा। अच्छा, जो हायर उन्होंने किया है इसको रिड्राफ्टिंग के लिए, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुराना कांग्रेसी रहा होगा, उसको अपने खून में मतलब वहाँ आवाज़ दी, यूज़ इन्होंने किया, पैसे इन्होंने दिए उसको ये रिड्रा करने के लिए, मगर काम उसने एंटी बीजेपी किया। और इस डिलिमिटेशन के बाद जितना बचा कुचा कुछ था बीजेपी का, स्टेट डिग्रेड करने पर नुकसान उनका, आपके कांग्रेस ने सेंध लगा दी। अब ये पब्लिक सेंध लगाएगा, मैं नहीं कहूँगा कांग्रेस सेंध लगाएगा, को मुझे लग रहा कोई कांग्रेस ही कोई नेता था, कोई उस, क्योंकि उसने उनकी सुनी मगर करी अपनी, और जिस तरह का मतलब गैर अकलमंदाना रवैया इन्होंने अख्तियार किया है नीचे, ये कोई दुश्मन भी अपने लोगों के साथ नहीं कर सकता। जब उस तरह का तोड़फोड़ किया, इसीलिए मैंने कहा इनके झोली में कुछ नहीं आना है, जहाँ ये निकलेंगे आप सुंदरबनी नवशहरा देख लीजिए पहले, ये दूसरों को तो समझा रहा है ये वोट चिंता मत कर आपको दूंगा, सुंदरबनी नवशहरा वालों को जवाब दे, कालाकोट वालों को जवाब दे, राजौरी वालों को जवाब दे, ये तो उसका होम डिस्ट्रिक्ट है,
कल मैं जा रहा हूँ, बल्ला साहब और हम जा रहे हैं, आप फॉलो कर लेना। सर एक और चीज़, आप कह रहे थे कि हम ऑडियो वायरल होने से पहले भी हम मतलब इस तरह कर, लेकिन पहले इस तरह का आपका कभी हमने वो नहीं देखा, प्रदर्शन नहीं देखा, या इस तरह के खुलकर बातचीत नहीं आपने की, ना ही पब्लिक को आपने बताया, ना ही आपने अपने जो सहयोगी पार्टी हैं विपक्षी उनको कहा कि भैया ये सब कुछ हो रहा है। हम इनकी तरह इंस्टीट्यूशंस को लेट डाउन नहीं होने देते, अवेयर तो करते ना। सुनिए ना मैं वही कह रहा हूँ, अभी रूमर्स ही थे जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाई, जब एक प्राइम मिनिस्टर चाहे वो बीजेपी का हो हमारे लिए इंस्टीट्यूशन है, जब उतने बड़े इंस्टीट्यूशन में वो आवाज़ आती है कि नाइंसाफ़ी नहीं होगी, हमने सोचा हो सकता है इनको भी फील हुआ होगा कुछ गलत हो रहा है, ना ही विल सेट इट राइट। बट अब जब लीक रिपोर्ट आया तो 8 दिन 10 दिन हमने भी लोगों से सुना, हमने भी उसको एसेस किया, एग्जामिन किया कहाँ क्या हुआ है, तब जाकर आज मोटे तौर पर हमारा सवाल था कि भाजपा ने इंस्टीट्यूशंस को पामाल किया, इरोड किया, जिसमें एक डिलिमिटेशन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रखता था। आपको क्या लगता है फिर जो कमीशन की जो टीम आई थी, जो कमीशन यहाँ पर आया था, खाली औपचारिकता के तौर पर ही आया था? बिल्कुल औपचारिकता, आज हम कह सकते हैं वो खाली औपचारिकता है और उनके बस में नहीं, उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन को रिओर्गेनाइज करने में। जनता पार्टी के इशारे पर कौन कौन लोग रहे हैं, अब प्रूव तो एक बीजेपी हुआ, और कौन कौन लोग रहे होंगे वो आने वाले वक्तों में खुद पता चलेगा। दूसरा ये सर कि किस तरह से अब आप इसका विरोध करेंगे, किस तरह से आप आगे ले जाएंगे? पहले ऑफिशियली वो क्लियर तो करे, अभी तो हम आज के दिन पर भी लीक रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। ऑफिशियली डिलिमिटेशन कमीशन को पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट डालना है और उसके बाद एतराजात पब्लिक की, आवाम की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनको लेने हैं। हम पहले जायज़ तरीके से उनको समझाने की कोशिश करेंगे, हम उनको प्रेजेंटेशन देंगे, हम उनको आईना दिखाएंगे कैसे आपने गलत किया है, उसकी जवाजियत क्या आपकी, अगर उसके बाद वो ठीक करते हैं तो अच्छी। जब आपकी मुलाकात हुई थी, जब आप सुझाव दे रहे थे, तो आपको लग रहा था उनके हाव भाव से या उनकी बातचीत से कि ये निष्पक्ष होकर काम करेगा, या फिर आपको लग रहा है ऐसा? तभी से लग रहा था कि इनके बस में कुछ भी नहीं है, ये तो एक फोटो आप है यहाँ पर करना, वरना ना उनके पास कोई ड्राफ्ट था। अच्छा। साल गुजरने के बाद कुछ भी नहीं, उनने कहा आपकी राय, हमने कहा हम किस चीज़ पर राय देंगे, हमारी राय फाइनल राय ये है जो आपके गिवन पैरामीटर्स है, पॉपुलेशन, टेरिन, कम्युनिकेशन मीन्स लोगों को सहूलियत में बदलना, अगर आप उस तरह का ड्राफ्ट रिपोर्ट देंगे हम वेलकम करेंगे, अगर आप पॉलिटिकली बायस होकर ये रिडिज़ाइन करेंगे तो कांग्रेस पार्टी क्या आवाम को पसंद नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से मास्टर स्ट्रोक बता रही है और वो कह रही है कि इससे अच्छा ड्राफ्ट और बन नहीं सकता और हम खुश हैं। इससे घटिया और इससे तोड़फोड़ वाला ड्राफ्ट जम्मू कश्मीर के लिए कोई अंधा भी नहीं कर सकता था। पर वो मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं ना उनके लिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई अंधा भी नहीं कर सकता, अगर उनमें वो है तो भगवान उनको अच्छा करे। आपके लिए फ़ायदेमंद होगा? नहीं, आवाम के लिए फ़िलहाल ये फ़ायदेमंद नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब आवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं, लोगों के लिए अगले 20-30 साल के लिए ये ठीक नहीं है। लोगों का भी एक कमीशन बनता है, इस एक्सरसाइज के बाद जाना तो उसी कमीशन के पास, तो आप लोगों और को वो कमीशन भी अपना काम करेगा और वो भाजपा को सफाया का काम करेगा। 50+ ले लेंगे? कौन? आप ही के जो नहीं, यहाँ सरकार होगी कांग्रेस की, आप मानिए या मत मानिए, आप देखेंगे अगर खुदा ने चाहा कांग्रेस लेड सरकार होगी। ये भाजपा वाले कहीं अभी पहले यूपी में तो बचा ले आपने आपको। अच्छा, कांग्रेस मतलब इतना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों का कानून भी सही मांग रहे थे। अच्छा, मतलब मुस्कुराहट कांग्रेस में देखी जा रही है इस ऑडियो वायरल के बाद। हौसले बुलंद है। चलिए, हौसले बुलंद है और इस ऑडियो जो वायरल हुआ जिसके ऊपर इन्होंने घमासान मचाया हुआ है और कई सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन साफ ये कहना है कि ये इशारे पर बना हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार डिफेंड कर रही है, वो कह रही नहीं कमीशन ने निष्पक्ष ये ड्राफ्ट जो है वो बनाया हुआ है, हालांकि पब्लिक डोमेन में अभी आया नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आगे चलकर इस ड्राफ्ट पर और कितना घमासान होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस को मुस्कुराने का एक मौका दे दिया है इस ऑडियो वायरल ने, वरना ना जाने कितने सालों से कांग्रेस यूं ही मायूस होती जा रही थी। हर चुनाव हारने के बाद अब एक ऑडियो वायरल ने चेहरे पे मुस्कुराहट ला दी है कांग्रेस के। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।